ओके सर। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन। ठीक है, फिर डेटा को एनकैप्सुलेट कैसे करते हो, डीकैप्सुलेट कैसे हो। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, दो यूजर बना देता हूँ। ये कौन है? बॉब। बॉब बॉब का पीसी किससे कनेक्टेड है? सैम के साथ। ठीक है, चलो अब बॉब क्या बोल रहा है, मैंने एक एप्लीकेशन खोली। ठीक है, अब एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करी उस पर इसने क्या करा, उसने एक मैसेज जनरेट करा हाय। लेकिन उस मैसेज जनरेट करने के लिए उसने क्या करा, एक ब्राउजर ओपन करा एप्लीकेशन में और टैब खोली, टैब नंबर वन। उसमें गया, उसने सपोज कर लो जीमेल में गया, जीमेल में गया और मैसेज लिख दिया आपको हाई मैसेज ईमेल के थ्रू। तो जैसे ही बॉब ने एप्लीकेशन यूज करी तो उसने क्या जनरेट करा आपके लिए, एक डेटा। अब डेटा जनरेट करने के बाद एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन तक होके गया। अब उसने डेटा को किस लेयर को हैंडओवर कर दिया, ट्रांसपोर्ट यानी लेयर नंबर फोर। ट्रांसपोर्ट अब लेयर नंबर फोर पे उसे पता चला कि वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, टीसीपी। अब उसी ने लेयर फोर पे एक पोर्ट नंबर लगाया सोर्स और एक पोर्ट नंबर लगाया कौन सा, डेस्टिनेशन। सोर्स बोला 1025 और डेस्टिनेशन कौन सा है, 443। अब उसने एक दूसरी लेयर को डेटा को हैंडओवर कर दिया, लेयर नंबर थ्री। अब लेयर नंबर थ्री पे क्या लग के गया उसके साथ, डेटा के साथ आईपी हेडर। अब आईपी हेडर की इंफॉर्मेशन आई थिंक हमने पहले डिस्कस कर ली थी, सोर्स आईपी प्लस डेस्टिनेशन। अब देखो याद रखना, जब भी आप लेयर थ्री का कोई हेडर लगाते हो तो बॉब के पास एक आईपी है 192.168.1.1 और इसका मैक एड्रेस है 00A। सैम का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, मैक एड्रेस है 00B। अब जब आईपी हेडर लगा तो आईपी हेडर में उसने क्या लगाया इंफॉर्मेशन, उसने बोला सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन आईपी 1.2, और उसने बोला प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, टीसीपी। अपर लेयर की इंफॉर्मेशन कि मुझसे ऊपर वाली लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी। अब ये डेटा कौन सी लेयर को हैंडओवर कर दिया, थ्री टू लेयर टू पे क्या लगा इसको, ईथरनेट हेडर, ईथरनेट हेडर लगा दिया। अब ईथरनेट हेडर में इन्होंने क्या लगाया इसके साथ, सोर्स मैक क्या लिखा ए, डेस्टिनेशन मैक क्या लिखा बी, और फिर क्या बोला टाइप फील्ड कि टाइप फील्ड में बताओ लेयर टू से ऊपर कौन सा एड्रेस है, IPv4 या IPv6। ओके, मैंने क्या बताया आईपीवी IPv4। और अब गया डेटा कौन सी लेयर पे, लास्ट वन फिजिकल। अब फिजिकल लेयर पे जैसे डेटा आया उस पर कौन सी एनकैप्सुलेशन लगी, अरपा। अरपा, और डेटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बिट्स जीरो ऑक्टेड कर दिया 0101 की फॉर्मेट में, और किसको दे दिया, बॉब ने, बॉब को, सैम ने दे दिया, जी बॉब सर। ने सैम को दिया। अब जैसे ही सैम ने रिसीव करा डेटा को तो उसके पास कौन सी लेयर पे डेटा आया, पहले फिजिकल पे लेयर वन पे, लेयर लेयर वन वन पे पता चला डेटा पे एनकैप्सुलेशन कौन सी है, अरपा, और डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, 0101011। यही आ रहा है। अब उसने देखा अच्छा अरपा, जब उसने अरपा को हटाया तो उसे क्या पता चला, क्या लग के आ रही है नीचे एक और लेयर टू, लेयर टू पे क्या लग के आ रहा है, ईथरनेट हेडर। अब लेयर टू पे उसको पता चला कि सोर्स मैक क्या है ए, डेस्टिनेशन मैक क्या है बी, और टाइप फील्ड में कौन सा प्रोटोकॉल है ऊपर, आईपीवी IPv4। तो अब उसने कौन सी लेयर पे जाने के लिए देखा, लेयर थ्री पे। अब लेयर थ्री पे क्या लग के आ रहा था डेटा के साथ, IP header। अब लेयर थ्री में उसने देखा सोर्स आईपी, सोर्स आईपी क्या है 1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 1.2, और टाइप फील्ड तो लगी ही नहीं। अब क्या लग क्या रही है उसमें, प्रोटोकॉल। उसको पता चला प्रोटोकॉल यानी लेयर फोर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है ये बंदा, TCP। अब इसने कौन सी लेयर ओपन करी, लेयर फोर। लेयर फोर पे क्या कौन सा हेडर लग क्या रहा है, टीसीपी। TCP। अब लेयर फोर के हेडर के अंदर से पता चला सोर्स पोर्ट क्या है,
1025। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है? 443। अब उसे पता चला जो मेरा सोर्स है वो तो कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है? रैंडम। लेकिन जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो कौन सी सर्विस का है? HTTPS। HTTPS, बहुत बढ़िया। यानी ये वेब सर्विस को मांग रहा है, ये सुनो, सैम उसको हैंडओवर कर देगा। यहाँ पे डेटा को क्या करा गया? एनकैप्सुलेट। यहाँ पे डेटा को क्या करा गया? डीकैप्सुलेट। इतना क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये छोटा सा था बहुत ही। अब एक टॉपिक पढ़ोगे आप मुझसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का जो नाम है वो बोलते हैं हम, फॉन्ट चेंज कर देंगे सर। फॉन्ट? हाँ, कलर चेंज करूं? नहीं, ये आपने जिस फॉन्ट पे टाइप कर रहे हैं ना वो। अच्छा, ये व्हाइट नहीं लिखूं? व्हाइट लिखिए सर, वो जो अच्छा। क्या लेटर जो टाइप हो रहा है। कलर? कलर नहीं लूं? कलर को व्हाइट सही है सर, कलर दिक्कत नहीं है। वो लेटर? अच्छा। लेटर सर, कैप्सल? मैं लिख रहा हूँ, ये मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ जी सर। इंटरनेट वर्किंग डिवाइस, टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। अब देखो, जो आपके नेटवर्क होता है, नेटवर्क, उस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले, ठीक है? तो मैं पुराने डिवाइस के बारे में भी पढ़ाऊंगा, नए के बारे में। अब पुराना डिवाइस सबसे पहले कौन सा आता था आपके पास? हब। फिर उसके बाद क्या बनने लगे? स्विच, ब्रिज। ब्रिज, ब्रिज के बाद कौन सा डिवाइस आया? स्विच। और स्विच, स्विच के बाद हमने कौन से यूज करा डिवाइस? राउटर। अभी चार डिवाइस हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ये नेटवर्क में यूज। अब हब और ब्रिज यूज नहीं होते हैं, ये सुनो। यस सर, यस सर। लेकिन हम पढ़ेंगे क्यों यूज नहीं होते। चलो, अब याद रखना, एक मेथड बता देता हूँ जो आपके पास कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं सर? कैपिटल में कर देना प्लीज सर। नहीं नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ, टैब से लिख रहा हूँ। कम्युनिकेशन टाइप्स, तो पहला कम्युनिकेशन जो आता है आपके पास कौन सा आता है? बॉट, ठीक है? दूसरा कम्युनिकेशन कौन सा आता है? यूनिकास्ट। तीसरा कम्युनिकेशन क्या आता है? मल्टीकास्ट, ठीक है? अब देखो, एक और बात समझो यहीं पे साथ में। अब आप मुझसे क्या पढ़ोगे? डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स। क्या पढ़ोगे? डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स। अब देखो, जो डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स है वो भी बता दो कौन कौन सा होता है। एक होता है फुल डुप्लेक्स। क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। एक होता है आपके पास हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, क्लियर है? चलो ओके सर। अब देखो, हाँ, अब एक बात करते हैं, हम पहला डिवाइस लेते हैं। सबसे पहला कौन सा डिवाइस? हब। हब, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे बुक्स और सिलेबस में? तो एक डिवाइस होगा, वन केबल टू कनेक्टेड होगा। एक डिवाइस होगा, उसमें कितने एरो होंगे? सिंगल एरो। सिंगल एरो, सिंगल एरो। वो कौन सा डिवाइस होगा? हब। हब, अब हब के बारे में समझो, हब कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर वन डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको? लेयर वन, लेयर वन डिवाइस। दैट मींस वर्क ऑन फिजिकल, फिजिकल लेयर, यानी फिजिकल लेयर का मतलब डेटा रिसीव और सेंड इनटू बिट्स। बिट्स में आता है? ओके, एक बार समझो, हब नंबर ऑफ पोर्ट्स, दो, चार या छः? छः। कितने पोर्ट होते हैं? दो, चार या? दो, चार, छः। हब, एयरपोर्ट्स, हब कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इसको पावर दो और चला दो, क्लियर है? जी सर। अब एक और लाइन लिखो, हब डोंट हैव एनी जीयूआई और सीएलआई। सीएलआई मतलब ग्राफिक इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर
इंटरफेस सीएलआई का मतलब कम्युनिकेशन कमांड लाइन इंफॉर्मेशन इंटरफेस। ठीक है भाई, इस पे होता ही नहीं है। जी सर, नेक्स्ट बात करो। हब कॉल्ड कौन सा डिवाइस होता है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स डिवाइस, क्लियर है? ओके, फोर पॉइंट। हब ऑलवेज डू ब्रॉडकास्ट, क्या करता है हमेशा? ब्रॉडकास्ट। अब एक बार आप रिवीजन ले लो सारे पॉइंट्स का, फिर बताओ कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझना है। ठीक है सर। लेयर वन डिवाइस है, वर्क ऑन फिजिकल लेयर, डेटा रिसीव एंड सेंड इनटू द बिट्स, हब नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑफ 2, 4 and 6, 6 पोर्ट्स तक नहीं आता। हब इज कॉल्ड फॉर द प्लग एंड प्ले डिवाइस। ओके सर, हब द एनी जीयूआई एंड सीएलआई, हब कॉल्ड फॉर द हब डुप्लेक्स डिवाइस, हब ऑलवेज बी ब्रॉडकास्ट। ओके सर, क्लियर है? चल अब क्लियर है सर। एक लाइन और पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में, हब के बारे में। अब सपोज करो आपने हब को जो है ना, जी सर, आपने रियल टाइम में लगा दिया, उससे पहले डिवाइस एक अटैच करा PC1, फिर एक डिवाइस अटैच करा PC2, फिर एक डिवाइस अटैच करा PC3, फिर एक डिवाइस अटैच करा PC4, तो पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, ये पोर्ट ऐसे कनेक्टेड होते हैं आपस में, दिख रहा है? अब देखो इस यूजर का नाम है बॉब। क्या नाम है? बॉब। इसका नाम क्या है? जॉन। जॉन। इसका नाम क्या है? सैम। सैम। इसका नाम क्या है? सेल। सेल। अरे अब याद रखना, देखो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन मैसेज सेंड टू All users, किसके पास जाता है? All users। अब देखो बॉब को एक हाई मैसेज भेजना है, क्या भेजना है? हाई मैसेज, और वो किसको देना है? डायरेक्ट सैली, सैली को। अब बॉब ने डेटा बनाया होगा, डेटा में लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 ये सब लगाई होगी डेटा के साथ। अब ये डेटा किसके पास गया? हब के पास। हब के पास। अब हमने जैसे ही पोर्ट पे रिसीव करा, हमने बोला मैं कौन सी लेयर पे डेटा रिसीव कर सकता हूँ? सिर्फ लेयर 2 फिजिकल लेयर पे देखूंगा। लेयर 1 पे कोई सोर्स, कोई डेस्टिनेशन बता सकते हो कौन है? ऐसा कुछ बताया था मैंने? लेयर 1 पे सोर्स और डेस्टिनेशन पता चल सकता है? जी सर, पता चल सकता है क्या? नहीं, उसमें जीरो वन की फॉर्म में होता है, जीरो वन फॉर्मेट होता है जी। अब हब हो गया कंफ्यूज, हमने क्या बोला? यही मैसेज मैं किसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ? जॉन को। यही मैसेज किसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ? सैम को। और यही मैसेज किसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ? सेल। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई हब तो कौन सी लेयर पे डेटा रिसीव कर सकता है? लेयर 1। और लेयर 1 पे डेटा किस में होता है? 0101। यानी ये डेटा किस में मिला उसको? बिट में। किस में मिला? बिट में। अब डेटा में तो सोर्स डेस्टिनेशन पता नहीं चला, तो हब ने ये एक सिंगल मैसेज कितने यूजर को दे दिया? 1, 2, 3। हो गया ना प्रॉब्लम? अब एक बार बताओ, आपकी कुछ नेटवर्क में प्राइवेसी थी, आपको सिर्फ अपने ऑफिस की फाइल किसके साथ शेयर करनी थी? सैली के साथ। अब आपने ये फाइल किस किस को शेयर कर दी? जॉन और सैम को। तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपने मार्केट से भगा दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? ब्रॉडकास्ट क्लियर हुआ? ओके सर। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? अब ये हब क्या कर रहा था? नीचे डेटा भेज रहा था सैम के पास, कोई इशू तो है नहीं। अब सैम ने उसी टाइम पे डेटा को सेंड करना चालू करा। सैम बोला मेरे पास कुछ डेटा है, मैं भेजना चाहता हूँ। जैसे ही हमने इस पोर्ट पर रिसीव करा, हमने देखा ये पोर्ट ऑलरेडी एक प्रोसेस कर रहा है जो सैम को डेटा दे रहा है। अब सैम ने इसी पोर्ट पे एक और प्रोसेस करा है, कौन सा? सेंडिंग का। यानी हब क्या हो गया? इस पोर्ट पे कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या बोला गया है कि हब कौन सा डुप्लेक्स का डिवाइस होता है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एट सेम टाइम ओनली सेंड वन प्रोसेस कैन डन। क्या हो सकता है? एक ही प्रोसेस पूरा हो सकता है, कौन सा? कैन सेंड, कैन रिसीव। रिसीव।
अब जैसे ही आपको पता चला मैं तो सेंड कर रहा था, रिसीव कर रहा हूँ, तो हब हो गया प्रॉब्लम में। अब हमने क्या बोला, ये पोर्ट डाउन, ये पोर्ट डाउन, ये पोर्ट डाउन और ये पोर्ट भी डाउन, तो सारा कम्युनिकेशन क्या हो गया आपका, कंफ्यूज, स्टॉप। अब जैसे ही ये डेटा यहाँ पे मिला तो उसने क्या करा, पोर्ट्स को स्टॉप करा। इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, कॉलेज, कॉलेज। क्लियर है? ओके। अब देखो एक और बात करते हैं, अब दूसरा डिवाइस पढ़ते हैं। जो दूसरा डिवाइस होता है ना वो कौन सा होता है आपके पास, ब्रिज। ब्रिज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई, बुक्स में ऐसे मिलेगा। ठीक है, चलो अब ब्रिज के बारे में समझो, ये कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर टू। यानी कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा, वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। बहुत बढ़िया। सेंड एंड रिसीव क्या करता है, फ्रेम्स। लेयर टू पे तो फ्रेम ही होते हैं ना, इतने डेटा लगेगा तो फ्रेम को क्या कर सकता है, सेंड और रिसीव। अब एक और बात समझो, ब्रिज, ब्रिज कॉल्ड कौन सा डिवाइस, फुल्ड, फुल डुप्लेक्स डिवाइस। क्लियर? एक और बात याद रखो, ब्रिज नंबर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स कितने होते हैं सिर्फ टू, टू। एक और बात याद रखो, ब्रिज कॉल्ड प्लग इन, प्लग इन क्या हो जाएगा, क्लियर है? क्यों? ओके, क्योंकि ब्रिज डोंट हैव, क्योंकि ब्रिज डोंट हैव जीयूआई और सीएलआई, सीएलआई मोड। क्लियर है? सिम लगाओ और क्या कर दो, इस पे काम करना। चलो एक और बात करो, ब्रेड मेंटेन द मैक एड्रेस टेबल्स, मैक एड्रेस टेबल। क्लियर है? टेबल, ओके। एक बात याद रखना, मुझे नेटवर्क में क्या लगाना है, नहीं जी नेटवर्क में क्या लगाना है, ब्रिज। तो भाई ब्रिज, ब्रिज तो लगा लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं उसपे से, दो, दो, दो से ज्यादा डिवाइस यूज कर सकते हो नेटवर्क में, नहीं। अब एक बताओ, एक ऑफिस में दो ही डिवाइस होते हैं या ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो ब्रिज यूज कर पाओगे उस कंडीशन में, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने दो पोर्ट थे, दोनों यूज कर लिए, समझ कर लो जी। पोर्ट नंबर वन, पोर्ट नंबर टू, इसका नाम क्या है, बॉब। इसका नाम क्या है, अब देखो बॉब की आईपी लिख रहा हूँ, 192.168.1.1। इसका मैक एड्रेस क्या है, 0.a। Okay, 00B। Yes, अब देखो, अब मैं एक बात बताओ, जब बॉब यहाँ से कोई डेटा भेजेगा, सपोज करो मैंने हाई लिखा, अभी डेटा किसको देगा, ब्रिज को, ब्रिज को। ये डेटा भेजेगा तो उसमें क्या लगाएगा, लेयर टू, लेयर टू। सोर्स में क्या रखेगा, ए, ए। डेस्टिनेशन में क्या रखेगा, बी। फिर उसी लेयर टू पे एक फील्ड लगाएगा, कौन सा वाली, टाइप। तो कौन से टाइप का आईपी एड्रेस यूज करा, आईपीवी 4। अब कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन लगाएगा, L3 लेयर 3 लगाएगा, सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन कौन है, 1.2। और कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन लगाएगा, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कौन सा यूज करे हो उसका नाम, ठीक है ना, अरपा। लेयर 3 पे प्रोटोकॉल कौन सा होता है जो लेयर 4 पे चल रहा होता है। अब जब बॉब ने डेटा भेजा ब्रिज के साइड में, ब्रिज ने रिसीव करा, कौन सी लेयर देखता है ब्रिज, लेयर टू। अब लेयर टू में देखो, इस डेटा से जब आ रहा था डेटा, तो उसके अंदर सोर्स कौन था, ए, ए।
तो ब्रिज ने क्या बोला, भाई मैं क्या मेंटेन करता हूँ, टेबल, मैक एड्रेस टेबल। जैसे ही कोई आया ब्रिज ने बोला मैं क्या बताता हूँ, पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन और पोर्ट नंबर किस पे आया, डेटा वन पे, और उसके अंदर सोर्स कौन था, ए। अब डेटा को किधर भेज दिया, इधर। जब सैम को मिला तो सैम ने क्या भेजा उसको, रिप्लाई, रिप्लाई करा ना सैम ने, जब रिप्लाई करा तो उसने क्या बोला, भाई मैं भी भेजा हूँ लेयर टू, टू सोर्स मैक बी और डेस्टिनेशन मैक ए। बहुत बढ़िया। अब उसने उसी फील्ड पे क्या लगा दिया, टाइप फील्ड, कौन से टाइप एड्रेस है, वो बता दिया। अब जब ब्रिज के पास इस पोर्ट पे डेटा आया ना, ब्रिज ने देखा पोर्ट नंबर क्या है, टू, टू, और मैं कौन सी लेयर का डेटा देख सकता हूँ, लेयर टू पे, टू। तो लेयर टू पे सोर्स कौन आ रहा है, बी, बी। तो उसने बोला पोर्ट नंबर टू पे भाई कौन कनेक्टेड है, बी, बी। तो प्रॉब्लम आई कोई नहीं, लेकिन अब बात समझो, जब ये सेंड कर रहा था उसी टाइम ब्रिज ने इसको डेटा भेज दिया, तो इस पोर्ट पे रिसीव हुआ, वाया इस पोर्ट। अब ब्रिज के सभी के पोर्ट जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स का मतलब एक ही टाइम पे डेटा को आप सेंड भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। कॉलिजन बनेगा नहीं, अगर नहीं बन बने भी गया तो यही पोर्ट इन्फेक्टेड होगा, ये वाला नहीं होगा। क्लियर है इतना, ओके सर, ओके, नहीं सर। अब तीसरा डिवाइस पढ़ो, स्विच, जो तीसरा डिवाइस है उसका नाम है स्विच। अभी हम कौन से स्विच के बारे में पढ़ेंगे, सिस्को, सिस्को स्विच। अब जो सिस्को है वो कितने टाइप के स्विच बनाता है, L2, Layer 2, Layer 3, कैसे स्विच है, Layer 2 और Layer 3, दोनों स्विच मिलते हैं आपको मार्केट में, ठीक है। ओके, अब देखो यस सर, एक इम्पोर्टेंट लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, जी सर, बाय डिफॉल्ट स्विच वर्क एज ए Layer 2 डिवाइस, कैसे काम करता है, बाय डिफॉल्ट Layer 2 डिवाइस, Layer 2, Layer 2 का मतलब वो किस पे काम करता है, आईपी पे या मैक पे, Layer 2 सर, आईपी, ध्यान से डेटा लिंक पे है सर, लेकिन Layer 2 डेटा लिंक लेयर पे क्या लग के जाता है, देखिए आराम से, मैक एड्रेस सर, मैक एड्रेस, तो वो क्या देखेगा सिर्फ मैक एड्रेस मैक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, मैं डिफॉल्ट वाली कहानी बता रहा हूँ ये। चलो अब देखो एक, अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं इसकी, तो अब याद रखना हमेशा स्विच को जो है ना आप कैसे पढ़ोगे, बाय डिफॉल्ट कौन सी लेयर पे होता है, Layer 2 पे, Layer 2 पे, हाँ। अब देखो मैं स्विच की थ्योरी लिखूंगा अभी, तो बस ओके, स्विच कॉल्ड विच लेयर डिवाइस, Layer 2, Layer 2 डिवाइस, दैट मींस वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर, लेयर। अब देखो जितना भी डेटा प्रोसेसिंग होता है सेंड या रिसीव, फ्रेम होता है या आईपी, आईपी यानी पैकेट, फ्रेम या पैकेट, फ्रेम लगते हैं पैकेट्स, फ्रेम्स पे काम करता है ना Layer 2 का मतलब, Layer 2 का होता है, तो सेंड और रिसीव क्या करता है, फ्रेम्स। और बात करते हैं स्विच, स्विच मेंटेन टेबल्स, मैक एड्रेस, मैक एड्रेस टेबल, क्लियर है, ओके सर। स्विच लर्न मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट
source of the disturbance. Update. Source of the update inside. कि आपके पैकेट के अंदर लेयर टू पे सोर्स कौन है उसका मैक उठा के किसमें डाल दूंगा, मैक टेबल में. स्विच मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम. एजिंग टाइम का मतलब है भाई कितनी देर बाद ये टेबल फ्लश हो जाती है. तो कितने देर का टाइम होता है, 300 सेकंड. 300 सेकंड यानी कितने मिनट, 5 minutes. Fine. ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करो. स्विच, स्विच कॉल्ड फुल डुप्लेक्स डिवाइस. फुल डुप्लेक्स का डिवाइस होता है यानी एक ही टाइम पे सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है. बिल्कुल. स्विच, स्विच हैव बोथ मोड. User interface. बहुत बढ़िया. CLI. Clear है? Yes. Next बात करो. Switch. Switch all interfaces. By default. Member of VLAN 1. आप इसको याद करने के लिए भी बोल सकते हो ग्रुप नंबर 1 कि एक ही ग्रुप के सारे इंटरफेस मेंबर होते हैं. ठीक है, ओके सर. बात कर स्विच, स्विच हैव डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. क्या होता है उसके पास डेटा ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म. एक होता है टीएक्स. टीएक्स का मतलब ट्रांसमिट भेजना, और आरएक्स का मतलब रिसीव, रिसीव करना. ठीक है, और बात करते हैं स्विच. और क्या लिख सकते हैं आप इसके लिए स्विच के बारे में. स्विच टाइप्स. बहुत टाइप्स पे बात करेंगे. टाइप्स पे, टाइप्स मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल. दो तरीके के स्विच आते हैं. एक होता है मैनेजेबल एक्सेस लेयर का मतलब होता है लेयर टू स्विच कॉल्ड एक्सेस लेयर डिवाइस. क्लियर है? ओके सर. दिस टाइप स्विच support switching protocol. Clear? Okay. क्या support करते हैं? Switching protocol. Clear है ना? Okay. This type switch only connect end devices. किसको connect करता है वो? End devices. Clear है? चलो. Okay. एक और switch होता है आपके पास, उसके बारे में बात करूंगा मैं. उसका नाम होता है core switch, core layer. Core layer या आप उसको बोल सकते हो. Distribution layer switch. Clear है? पहला पॉइंट.
दिस टाइप स्विच सपोर्ट स्विचिंग प्लस राउटिंग फीचर्स एक और लाइन दिस टाइप स्विच ऑलवेज कनेक्ट फायरवॉल्स एंड सर्वर्स लोड बैलेंसर क्लियर है एक और बात करते दिस टाइप स्विच सपोर्ट राउटिंग इंजन क्या सपोर्ट करते हैं भाई राउटिंग इंजन क्लियर है एक लाइन याद रखना इंटरव्यूज में पूछी जाती है चाहे आपके पास हो लेयर टू चाहे आपके पास हो लेयर थ्री अब याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्विच नेवर डू नेट ट्रांसलेशन क्या नहीं करता वो नेवर डू नॉट ट्रांसलेशन नेट का मतलब क्या होता है नेट कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्लियर ओके ओके नेट प्राइवेट आईपी एड्रेस कन्वर्ट इनटू डायनामिक वाइज आईपी एड्रेस कन्वर्ट इनटू पब्लिक आईपी या ओके एक और लाइन स्विच स्विच नेवर सपोर्ट व्हिच वन ट्रांसलेशन क्या नहीं कर सकता वो ट्रांसलेशन कौन सी पूरी लाइन पड़ी ऊपर से स्टार्टिंग से स्विच नेटवर्क लेयर टू एंड लेयर थ्री के बाद की लाइन पड़ी है हाँ सर स्विच always connect to the firewall and server this type of support the routing engine layer 2 and layer 3 switch never do not net, never do net translation net translation net is the network address translation net provide ip address convert into the public private ip address convert into the into public ip Switch neighbor support net translation switch ke bhi aapki private ip ko public ip mein convert nahi kar sakta clear hai okay. doubt name ji yani net private ip to go ko net is called sir network access translation network address translation network address translation ओके सर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ओके आगे बढ़े जी सर मैं रिवाइज करूंगा तो हाँ रिवीजन लेना पड़ेगा थोड़ा सा कोई इशू नहीं है हो जाएगा हाँ, जी सही की तरह याद हो जाएगा धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओके सर चलो अब आपको एक आइडेंटिफाई कराता हूँ मैं एक सेकंड दो स्लाइड से हेल्प मिलती है पढ़ने में आपको ये जो मैं लिखता सर आपके वीडियो से ही पढ़ता हूँ जो डाउनलोड करता हूँ ना जो आपने दे रखा है उससे अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं आती पढ़ने में नहीं सर
नेक्स्ट लाइन पढ़ो, आप क्या पढ़ने वाले हैं इसका? अब हम पढ़ने वाले एक लाइन, हाउ टू आइडेंटिफाई कुछ, ठीक है? ओके, अब देखो याद रखना, जिसका नंबर ऑफ पोर्ट्स स्विच पे कितने मिलते हैं? 16, 24, 32 और 48. क्लियर है? अच्छा, ओके, 32 का भी आता है सर? 32 पोर्ट का भी आता है। ओके सर, 16 पोर्ट का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, 32 16 24 8 का भी होता है, 8 का भी होता है, सिस्को का जी 8 का भी आता है। बिल्कुल, अब देखो जो आप रियल टाइम में स्विच देखते हो ना, वो स्विच की कैटेगरी होती है। क्या होती है? कैटेगरी। कैटेगरी, उस कैटेगरी में दो स्विच होते हैं, एक होता है अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल का मतलब क्या होता है, उसे आप सीधा बोलोगे प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, बस पावर दो और प्रोसेस। दूसरा कौन सा होता है? मैनेजेबल। मैनेजेबल, क्लियर? नीड टू बी कॉन्फिगर। जो मैनेजेबल होता है वो दो मोड में आता है, एक होता है जीयूआई, सीएलआई। अब देखो कुछ स्विच की पिक्चर दिखाता हूँ आपको, उससे बहुत सारे पोर्ट्स दिखेंगे। तो जितने सारे ये पीओई स्विच होता है, हाँ, अभी लेटेस्ट में सर वो सारे जीओई मोड पे भी है ना? जीओई, हाँ, जीओई में भी आते हैं जी। अब एक स्विच दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले देखो ये तो हो गया आपका हब। ओके सर, ठीक है जी सर, 6 पोर्ट वाला। अब देखो जी, एक स्विच उठा लेते हैं हम, सिस्को स्विच। देखो ये सिस्को का स्विच है, ये स्विच का नंबर है 2950। क्या बोलते हैं इसको? 2950। मैंने बताया था सिस्को के स्विच होते हैं लेयर 2 और लेयर 3। ये लेयर 2 का स्विच है, एक और स्विच होता है आपके पास 2960, दिख रहा है? 2960, ओके। इसके बारे में पढ़ लेंगे आप, एक और स्विच पढ़ेंगे आप। देखो आप 6050 हो गया, अब एक और दिखाता हूँ आपको 3550। कौन सा? 3550 स्विच। ये सारी सिस्को कैटेगरीज के हैं। किसके हैं? सिस्को कैटेगरी, सिस्को कैटेगरी के स्विच है ना। मैं जूनिपर दिखा रहा हूँ, ना एचपी, ना नोकिया, ना वाई, ना अल्काटेल, ठीक है भाई? ओके सर। एक और स्विच होता है आप जैसे 3560, कौन सा था? 3560। ये बहुत पॉपुलर है, नेटवर्क में मिलता ही आपको कई बार। अब देखो ये वाला क्लियर हो गया। एक और मार्केट में चल रहा है, नेक्सस सीरीज के स्विच। कौन से सीरीज के स्विच? नेक्सस सीरीज। सिर्फ आज इमेज दिखाऊंगा आपको, सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल कल अलग से कराऊंगा। ओके, अभी सिर्फ पढ़ के आना है थ्योरी और कुछ नहीं। क्योंकि पहले आपको डिवाइस का पता हो कैसे कैसे होते हैं, तो
तो ये पहला जो स्विच है ये कौन सी लेयर का बताया था? लेयर टू। लेयर टू देखो बहुत इजी है, आराम से समझो, ये आपका लेयर टू स्विच, ठीक है। अब मैं कुछ हाईलाइटेड कलर लूंगा। अब देखो जो ये ब्लू कलर से मार्क कर रखा है ये वाला जी सर, इसे बोलते हैं फ्रंट पैनल। क्या बोलते हैं? फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल क्लियर। और ये दिख रहा है ना ये ऑप्शन बटन। अब इसमें क्या होता है, फ्रंट पैनल में आपके इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर प्लस एक बटन दिया हुआ होता है। उस बटन से आप दो ऑप्शन जा सकते हो। एक होता है सेफ मोड कर सकते हो। सेफ मोड में जाके आप क्या क्या काम कर सकते हो, पहला रिकवर कर सकते हो आईओएस को, दूसरा पासवर्ड क्या कर सकते हो उसका, रीसेट ब्रेक, ठीक है। अब बचे हुए पोर्ट पे ध्यान दो, यहां से इस पे आ जाओ यहां तक। दिख रहा है ये सारे पोर्ट? अब आप पढ़ोगे मुझसे एक कॉन्सेप्ट, उसमें होता है लिंक टाइप, फिर क्या होगा उसकी इससे। अब लिंक होता है आपके पास पहला कौन सा, ईथरनेट। ईथरनेट इसकी स्पीड क्या होती है, 10 Mbps। Mbps एक होता है फास्ट ईथरनेट। ईथरनेट इसकी स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps। क्लियर है। एक होता है गिग वाला लिंक, गीगाबाइट 1 Gbps। एक होता है सीरियल लिंक जो अब यूज नहीं होता, पहले होता था 1.54 Mbps, ठीक है। अब देखो जिनको मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, यानी 8, 8 और 8, कितने पोर्ट हो गए, 24 पोर्ट्स। जो 24 पोर्ट है वो कौन सी क्वालिटी के भेज रखे उन्होंने, फास्ट वाले, फास्ट इंटरनेट। कितनी स्पीड होगी फास्ट, 100 MB, क्लियर है। और जो ये दो बचे हुए पोर्ट दिख रहे हैं आपको, देखो अब ये जो दो बचे हुए पोर्ट हैं, ये दो पोर्ट होते हैं कौन से, गिग, और कितनी स्पीड है, 1 GB। कोई रह गया कोई ऑप्शन नहीं? आप देखो दूसरे इस वाले स्विच पे जाओ, ये स्विच कौन से लेयर का है, लेयर टू स्विच। अभी मैंने बताया था ये वाला कौन सा पैनल होता है, इंडिकेटर्स, फ्रंट पैनल, इसमें इंडिकेटर्स होते हैं और बटन होता है, बताया था। अब देखो 8 8 16 और 16 कितने हो गए, 32, 32 पोर्ट्स, वही है ना, 2 2 4 6। अच्छा ये 24 पोर्ट पे है, तो 6 6 12 और 6 18 और 6 24, 24 पोर्ट। दोबारा से कौन से, फास्ट, ये कितने स्पीड वाले हैं, 100 Mbps। और ये जो दो बचे हुए पोर्ट है दोनों कौन से हैं, गीगा, कितने स्पीड वाले हैं, 1 GB। आ जाओ अब नेक्स्ट स्विच पे। अब ये वाला जो स्विच दिख रहा है इसको, ये भी कौन सा है, L2। तो हमने लेयर टू स्विच कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले कौन सा मॉडल दिखाया, ये वाला 2950, ये वाला 2960, फिर मैंने कौन सा दिखाया, ये वाला, इसको बोलते हैं 3550। देखो 2 4 6, ये भी 24 पोर्ट का है, तो ये तो फ्रंट पैनल हो गया, और ये कौन से पोर्ट हो गए इसके, फास्ट, इस पे सिर्फ फास्ट ही पोर्ट है, गिग तो है ही नहीं। ये कौन सा स्पीड का है, 100। अब याद रखना नेटवर्क में कई बार आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे ढूंढे ये पीओयू स्विच है या नहीं। जब भी आपके पास ये येलो लाइन आ जाए, कौन सी लाइन, येलो लाइन, इसका मतलब वो क्या है, पीओई स्विच है। कौन सा पीओई, यहाँ पे भी आ रखी है येलो लाइन, दिख रही है और यस सर, कौन सा स्विच है, पीओई, पीओई। लेकिन इस स्विच में देख के बताओ कहीं येलो लाइन है, नहीं, ये पीओई स्विच नहीं है, नहीं है। अब देखो अब नेक्स्ट डिवाइस पे, ये वाला जो स्विच है इसे बोलते हैं लेयर 3 स्विच। क्या बोलते हैं, लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच को नेटवर्क में बोलते हैं MLS स्विच। क्या बोलते हैं, MLS, MLS का होता है मल्टी टास्क लेयर स्विच। मल्टी लेयर का मतलब ये लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों पे काम कर सकता है, ठीक है ना, लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों पे काम कर सकता है। अब देखो
सेम वही है, ये क्या बना है फ्रंट पैनल, लेकिन अब यहां से और यहां तक ये कौन से पोर्ट है? फास्ट। और ये कितने स्पीड के हैं? 100। यानी देखो एक रॉ में 8, 16, 32, 48, कितने हो गए? 32। देखो 8 8 16 16 16 32, और ये कितने हो गए? 48। यानी कितने पोर्ट है? 48 पोर्ट किसके हैं? 100 Mbps का है। और जो ये चार पोर्ट दिख रहे हैं ना, ये वाले, इन चार पोर्ट को आप दो काम के लिए यूज कर सकते हो, या तो इन्हें बोल दो POE पोर्ट, या क्या बोल दो? SFP पोर्ट। क्या बोल सकते हो? हाँ, SFP POE और प्लस SFP। ठीक है, और ये कौन सी सीरीज का स्विच है? नेक्सस। अब ये जो यहाँ से पोर्ट है ना यहाँ तक, ये भाई गिग के ही हैं, याद है ना सारे। अब इसमें स्पीड 1 GB भी आ सकती है, और 10 GB भी आ सकती है, 40 GB भी आ सकती है, 60 भी आ सकती है। ठीक है, ओके। कौन सी स्पीड मिल सकती है? 10, 1 GB, 10 GB, 40, 60। 1 GB का भी पोर्ट हो सकता है, 10 GB का भी, 40 GB और 60 GB का। ठीक है, okay, अब बात समझो दोस्तों। अब जो ये बचे हुए पोर्ट दिख रहे हैं ना दोबारा से, ये कितने पोर्ट है? 6। ये वही वाले पोर्ट है जो मैंने बताए थे। कौन कौन से? SFP पोर्ट, पोर्ट प्लस अब येलो लाइन आ गई है भाई। येलो लाइन का मतलब ये क्या सपोर्ट कर सकते हैं? POE। ठीक है, चलो अब बाकी बात हम कल करेंगे। ठीक है नईम जी, क्लियर है? थ्योरी पढ़ के आनी है बस स्विच की, कल हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे लगाते हैं, फिर बात करेंगे इस पे। ओके सर, कोई डाउट नहीं सर। चलिए कल मिलते हैं हम दोबारा। ठीक है, अभी इसी बात को थ्योरी पढ़नी है और समझना है थ्योरी को, कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और डिवाइस कौन सा सिमुलेटर यूज करना है वो भी बताऊंगा, प्रैक्टिस किस पे करनी है। ओके सर, चलिए ध्यान रखिए। ये वहां तो मिल जाएगा मुझे सर, आपने जो लिंक दिया उसमें मिलेगा? हाँ, गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।